अस्सलाम वालेकुम अवैध, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप सुनाए, अवैध आप वेलकम कैसे टू हैं? सेल्फ स्टडी इन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एनी टाइम एनी टाइम। अच्छा अवैध, आज का जो हमारा क्वेश्चन था आपसे वो ये था कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि सर, अगर सीएसएस की हम मिसाल के तौर पे कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई भी न्यूज़पेपर है या कोई भी मैगज़ीन है, तो उससे हम अपने लिए नोट्स कैसे बनाएं जो कि पेपर से पहले, एग्ज़ाम से पहले जो है वो हमारे काम आ सकें और प्रोडक्टिव हों काफ़ी। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि नोट्स बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीएसएस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जो आपके नोट्स होते हैं, आपने हमेशा याद रखना है कि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, कि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाए, एक ऐसी चीज़ बन जाए जिसको मैं देख के सिर्फ एग्ज़ाम के अंदर जाके बैठ सकता हूँ। तो उसके लिए उसको जितना ब्रीफ बनाया जाए वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव होता है। दूसरी एक इसमें बात है कि नोट्स हर इंसान के अपने अपने होते हैं, क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड होते हैं। वो देखता है कि कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा आती है, उसको वो जो है थोड़ा लिखेगा, जो उसको कम आती है उसको एक्सपैंड करेगा। तो हर बंदे के एक तो पर्सनलाइज्ड होते हैं। दूसरा, आपके सवाल के लिए कुछ हेल्प करने के लिए मेरे पास भी, जैसे फॉर एग्जांपल अपने कुछ नोट्स अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें ये है कि ज़रूरी जो बात आपको समझने वाली है वो ये है कि नोट्स हमेशा बुलेट पॉइंट्स के अंदर होते हैं। नोट्स हमेशा कभी भी पैराग्राफ फॉर्म के अंदर नहीं लिखे जाते, बुलेट पॉइंट्स में शॉर्ट करके लिखे जाते हैं। की वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो कि आपको जितना याद रह सके या आपको रिकॉल करने में आसानी हो। अगली उसकी बात यह है कि किसी भी टॉपिक का आपने करना है, जैसे मैंने कश्मीर इशू की बहुत दफा एग्जाम्पल दी है, तो कश्मीर इशू का आपने करना है तो आप उसके कॉज इफेक्ट सोल्यूशन और उसकी जो कंटेम्प्रेरी चीजें हैं उसको नोट्स में लेके आते हैं। अगली जो जरूरी बात है, सीएसएस हो पीएमएस हो, अगली जो जरूरी बात है वो ये है कि नोट्स के अंदर हमेशा डायनामिक होते हैं नोट्स, कि आपके चेंज होते रहते हैं। कोई नई चीज आई, कोई नया इवेंट हुआ, तो आपने उसको अपने नोट्स के अंदर एड कर देना होता है। तो कभी ये नहीं है कि नोट्स बना दिए तो आप ये बन गए, तो आप उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। जो पास पेपर करते हैं, जो आप जो है एग्जाम करते हैं, उसके बाद आप आके अपने नोट्स इंप्रूव करते हैं। अब नोट्स के अंदर एक और बहुत जरूरी चीज है जो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा अपने अपने नोट्स के साथ, कि नोट्स दो किस्मों के होते हैं। अगर आपके पास टाइम ज्यादा होता है तो आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉन्ग नोट्स से। लॉन्ग नोट्स जो है वो आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपको आई एम श्योर के नजर आ रहा होगा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस का ये जो है हमारे पास ये लॉन्ग नोट्स हैं। अब ये लॉन्ग नोट्स हैं, जो मैं दिखाने का मकसद है वो आपको ये नोट्स पढ़ाने से ज्यादा आपको बताना है कि नोट्स हैं क्या। ये अब इसके लॉन्ग नोट्स हैं, ये 3 पेजेस के ऊपर जा रहे हैं, ठीक हो गया। हम इसके अंदर हर एक एक चीज के अंदर ज्यादा डिटेल के अंदर लिखा हुआ है। ऑन दी अदर हैंड, अब मैंने जब ये इनिशियली मैंने अपनी तैयारी की थी तो मैंने वो लॉन्ग नोट्स जो है लिखने शुरू किए थे, जिसमें हर चीज जो जरूरी है वो उसके अंदर ऐड की थी, उसके बाद अब ये शॉर्ट नोट्स हैं। इसके अंदर ये जेंडर बेस्ड वायलेंस लिखा है और यहाँ आके ये नोट्स खत्म हो जाते हैं। तो वो जो चीज 3 पेज के अंदर थी, अब वो आधे पेज में आ गई है। उसके अंदर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स है कि इसकी ये थ्योरी वो ये है, नाम ये थ्योरी ये नाम है, नाम और उसके साथ सिर्फ एक छोटा सा फ्रेज लिख के कि वो क्या होती है, ताकि मुझे याद रहे। जो लॉन्ग नोट्स है उसमें ज्यादा चीजें लिखी होती हैं, जब मैं पहले तैयारी कर रहा हूँ तो मैं उसको यूज करूंगा। और आहिस्ता आहिस्ता मैं शॉर्ट नोट्स पे आऊंगा। शॉर्ट नोट्स बुलेट पॉइंट के अंदर है, टू द पॉइंट है, उसमें मेन चीजें सारी की सारी कवर हो जाती हैं। मकसद हमेशा याद रखना है कि आप उसको पढ़ के एग्जाम के अंदर बैठ सकें। इस हिसाब से आपके नोट स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए कि आपके 2 घंटे की ब्रेक के अंदर आप ये सब रिवाइज कर सकें। तो जो चीज 4 पेज के ऊपर थी वो बाद में आधे पेज के ऊपर आ जाती है, बुलेट पॉइंट्स में आ जाती है। एक स्टेप वाइज सीक्वेंस से जो है आपके नोट्स बनते हैं। सर आपने बहुत खूबसूरती से सारा बयान कर दिया, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया।